राग खमाज। राग खमाज की उत्पत्ति खमाज थाट से ही हुई है, अतः इस राग को खमाज थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग के आरोह में ऋषभ अर्थात रे वर्जित स्वर है तथा इसके अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आरोह में छह स्वर और अवरोह में सात स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति शाड़व संपूर्ण है। इस राग के आरोह में शुद्ध निषाद अर्थात शुद्ध नी और अवरोह में कोमल निषाद अर्थात कोमल नी प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस राग का वादी स्वर गंधार अर्थात ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इस राग की प्रकृति चंचल है। राग खमाज के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। सा गा मा पा धा नी सा। और अब सुनिए अवरोह। राग खमाज की पकड़ इस तरह से है। नी ध म प ध म ग। अब प्रस्तुत है राग खमाज की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग खमाज की स्वर मालिका की स्थाई। सा सा नी नी ध ध प म ग म ग म प ध सा नी सा 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 नी नी ध ध प म ग म ग म प ध सा नी सा सा ग म ग नी सा नी सा सा नी सा नी ध सा ग म ग नी सा नी सा सा नी सा नी ध सा सा नी नी ध ध प म ग म ग म प ध सा नी सा 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 नी नी ध ध प म ग म ग म प ध सा नी सा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग म ध नी सा नी सा नी नी सा नी सा नी ध ग म ध नी सा नी सा नी नी सा नी सा नी ध सा ग म ग ग नी सा नी सा सा नी सा रे सा नी ध सा अभी आपने राग खमाज की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है उपवन उपवन उड़े चिरैया। पहले प्रस्तुत है
इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। अभी आपने राग खमाज की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे